यहाँ से एंट्री ले लिया हमने, अब किला के हम लोग अंदर जाने वाले हैं, लाल किला के अंदर। ये यहाँ से एंट्री है और ऊपर में सिक्योरिटी वगैरह तो सब जगह है, यहाँ पे भी है। कि लाल किला के अंदर भी शॉपिंग वॉपिंग के लिए ज्वेलरी, ये सब लेडीज़ का पर्स वगैरह, ये सारा घड़ी वॉच परफ्यूम ये सब सारा दिखा। तो अभी हम लोग चांदनी चौक पे आ गए, चांदनी चौक पूरा चेंज हो गया है, देखो हो रहा आगे गुरुद्वारा। अभी हम लोग शॉपिंग करके पूरा थक चुके हैं, पूरा 4-5 घंटा से शॉपिंग तो शॉपिंग। अंग्रेजों के ज़माने का बंदूक से जो अंग्रेज यूज किया करते थे पिस्टल, शाहजहाँ का दरबार था, जो कि पहले शाहजहाँ यहाँ पे जो वाइट वाला है वहाँ पे बैठ के सबका जो है कि आम जनता का, जामा मस्जिद भी आ गया है घूमने के लिए, जामा मस्जिद भी देख। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जो है कि आए हैं दिल्ली, तो आ गए थे आप लोगों को पता ही है। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे लाल किला घूमने के लिए, आज पूरा दिल्ली में घूमेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो अभी हम लोग लाल किला पे हैं और म्यूजियम वगैरह भी जाना है अभी, तो अभी मम्मी लोग भी आगे चल रही है और देखते हैं अभी, और बहुत सारा अभी घूमना है दिल्ली में, शॉपिंग वॉपिंग सब करना है, बहुत सारे लोगों से मिलना भी है। तो अभी चलते हैं, पहले घूमते हैं, मज़ा लेते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं लाल किला के पास। अभी लाल किला का मैंने टिकट ले लिया, एक टिकट का जो लाल किला का अगर आप सिर्फ टिकट लेते तो 50 पड़ता है और म्यूजियम के साथ में लेते तो 80 पड़ता है। तो अभी हमने 5 टिकट लिया है, हमारे साथ मौसी भी आई हुई। ये फोर्ट के साइड में ना ये हुआ करता था, इसमें पानी भरा रहता था, अभी तो अब तो सूख गया ये बहुत पहले से ही। ये पानी ही इस किला को बचा के रखता था, अंग्रेजों का जमाना से भी अभी तक है ये। इसको बनाने में क्या मेहनत लगी होगी, अभी कोई ऐसा किला बना ही नहीं सकता। अभी यहाँ पे एंट्री गेट भी चेंज कर दिया, तो हम लोग को 2 नंबर गेट से एंट्री करना पड़ा। अभी हम लोग फिर आगे जा रहे हैं, चलो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे। और ये लाल किला का मेन फ्रंट अब आगे आने वाला है। भीड़ भी अच्छा खासा है, किला के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ से एंट्री ले लिया हमने, अब किला के हम लोग अंदर जाने वाले हैं, लाल किला के अंदर। ये यहाँ से एंट्री है और ऊपर में सिक्योरिटी वगैरह तो सब जगह है, यहाँ पे भी है, फॉरेनर लोग भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉरेनर लोग डेली आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे भी अभी आ रहे, अभी मैंने आगे भी देखा 6-7, अभी यहाँ पे 2-3 अभी और भी है। दिस इज द रेड फोर्ट। लाल किला के अंदर भी शॉपिंग वॉपिंग के लिए ज्वेलरी, ये सब लेडीज़ का पर्स वगैरह, ये सारा घड़ी वॉच परफ्यूम ये सब सारा दिखता है अंदर। अभी हम लोग अंदर म्यूजियम में भी जाएंगे, इधर भी ज्वेलरीज वगैरह। अंदर भी इतना बाकी है ना, अभी हम लोग अभी ये थक चुके हैं। अरे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा है, अभी वहाँ पे भी अंदर में फोटो वगैरह लिया जा रहा है। यहाँ पे आ गए हैं जो जहाँ जो कि है शाहजहाँ का दरबार था, जो कि पहले शाहजहाँ यहाँ पे जो वाइट वाला है वहाँ पे बैठ के सबका जो है कि आम जनता का परेशानी तो उसका समस्या सुनता था और हल करता था, ये उसका दरबार था। ये अभी शीशा से पैक कर दिया गया है, भीड़ तो है बहुत। हिस्टोरिकल है ये सब, ये नहाने धोने के लिए पानी हुआ करता था सहिंसा का। और इधर वो जो महल है वो उसकी रानी का महल था, पर फिलहाल तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो गया है, बारिश होना है। हम लोग सोचे नहीं थे कि बारिश होगा, क्योंकि धूप अभी बहुत ज़्यादा ही लग था कुछ देर पहले और अचानक से बारिश हो गया, तो दिल्ली का बारिश भी अनप्रेडिक्टेबल है। फिर भी देखते हैं, अभी तो बारिश है तो यह छिपने का तो बहुत सारा जगह है। तो अभी हम लोग म्यूजियम में जा रहे हैं, यह है म्यूजियम।
यादें जलिया, फूल सुने समाया जादू के लिए हजारों जीवन के बलिदान। यहाँ जो है कि इंडिया का जो युद्ध में भारत का जो योगदान था वो दिखा रहा है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वॉर। इंडिया का जो युद्ध में भूमिका था वो दिखा रहा है यहाँ पे 3D वॉलपेपर। ये साइड भी है, केवल 11 को विक्टोरिया क्रॉस, 11 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या दिखा रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल है, ये सब जानने में अच्छा लगता है। ब्रिटिश सत्ता के आधार गरीब और मजदूरों भूखे जूझते हैं। ये सारे डिवाइड का सारा कुछ का इंजन हुआ लोन एम्पायर मीट्स मैन ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया ऑल एंड ये अंग्रेजों की आर वी अफेयर्ड नाउ। सब लोग आगे चले गए और हम लोग भी चलते आगे। ये कुछ तलवारें जो कि लड़ाई के टाइम में यूज किया था उनका, ये नाना साहब का है, ये नाना साहब पेशवा की तलवार है। एक फिल्म भी आई हुई है नाना साहब पे, तो वो यही तलवार यूज किए करते थे। ये लिखा हुआ भी है नाना साहब पेशवा की तलवार। ये हाथी का दांत है, बहादुर शाह का पाउडर हॉट, अंग्रेजों के जमाने का बंदूक से जो अंग्रेज यूज किया करते थे गन पिस्टल, पूरा यूनिक भोपू की तरह गन बड़ा वाला। सब में जंग लग गया था, अभी कोई चलने वाला नहीं है। ये पहले का राइफल, जो हम फिल्मों में देखा करते थे अंग्रेज जो बंदूक चलाता है वही सब बंदूक है, पूरा जंग लग गया है सब। हाँ हम लोग जल्दी से निकलते, बहुत जगह घूम रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा टाइम इसी में निकल गया। चांदनी चौक के तो अभी हम लोग चांदनी चौक पे आ गए। चांदनी चौक पूरा चेंज हो गया है अभी तो, और आगे गुरुद्वारा पहले जो था जब मैं आया था तो पहले ऐसा नहीं था। अब क्या क्या है कि यहाँ पे पूरा एकदम दुकान हटा था, पहले पूरा दुकान ही था रोड पे, अब हटा के और रिक्शा चलने लगा है इस पर। अभी हम लोग शॉपिंग करके पूरा थक चुके हैं, पूरा 4-5 घंटा से शॉपिंग हो रहा है अभी। अंकित आगे भी चल गया है लगेज लेके, हम लोग ने आज लगेज कपड़ा जीन्स सब कुछ ले लिया है आज, कल बाकी ही है। अभी जामा मस्जिद भी आ गया घूमने के लिए, जामा मस्जिद भी देख लिया। वैसे तो मैं पहले भी आया हूँ, देख लिया मम्मी पापा को, वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे तो वो लोग को दिखाने लाया था। और जामा मस्जिद भी वैसा ही है जैसा पहले था, और लोग आज भीड़ भी उतना ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। भीड़ होती है शाम को, शाम के टाइम पर भीड़ वगैरह रहता है। और अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, टिकट काउंटर वहाँ पर है, वहाँ से आप ले सकते हो टिकट अंदर जाने के लिए, और अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ये तालाब है हाथ पैर धोने के लिए।
दिल्ली आए हुए थे अभी। दिल्ली में तो 2 से 3 दिन हो गया हम लोग को वैसे अभी यहाँ पे, तो बस आज हम लोग फिर आज हम लोग जो है कि रात में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आज हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, तो रात को हमारी ट्रेन है। तो ये बस शॉपिंग वॉपिंग जो भी था वो तो कम्प्लीट हो ही चुका है। आप जल्दी से यहाँ से घर जाते हैं, नहाते वहाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कि निकलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना, पूरा दिमाग ख़राब होकर रखा है इतना गर्मी में। तो बस अब चलते हैं घर, और क्या, मिलते हैं फिर अब हरिद्वार में।